हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से एक नया वीडियो और नए विषय पे चर्चा। और आज का जो विषय है वो एक बहुत ही लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चीज, ज़्यादातर चाहे वो एक सामान्य सी लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो आज का विषय वो ये है कि जोश और होश, या इसी को दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो समय और समझदारी, ये जनरली एक साथ नहीं मिल पाते। इनका जो संयोग ईश्वर ने, गॉड ने बनाया है, वो एक साथ नहीं है। जब समय होता है तो समझदारी नहीं होती, और जब समझदारी आती है तो समय खत्म हो जाता है। या इसी को हम ये कह सकते हैं कि जब आदमी के अंदर जोश होता है तो उस समय उसको होश नहीं होता, और जब होश आता है तो उस समय जोश सारा खत्म हो जाता है। क्या मतलब हुआ इस चीज़ को देखा जाए। देखिए, जब छोटी लाइफ होती है, कोई पर्सन किसी काम को एक अर्ली एज में, एक नॉर्मल एज में शुरू करता है, तो उसके मन में एक ही ख्याल बसता है, अरे ये तो हम ऐसा करके टॉप पे बिल्कुल पहुंच जाएंगे, बहुत ही ऊपर पहुंच जाएंगे, बहुत ही अच्छा वर्क करेंगे। और जबकि उस फील्ड का अगर वर्क देखा जाए, उसका डेडिकेशन देखा जाए, तो वो उस लेवल का नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसके अंदर केवल एक जोश भरा हुआ होता है कि ये चीज़ तो हम ऐसे कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगी। और यही धीरे धीरे टाइम जो है वो खत्म होता चला जाता है। या इसी को दूसरे शब्दों में, जिसकी अभी हम समय और समझदारी की बात करते हैं, कि जब तक उसके पास समय होता है तब तक वो अपनी योग्यता, अपने टैलेंट, अपनी मेहनत को नहीं पहचानता है, किस लेवल की उसकी योग्यता है, किस लेवल की समझदारी है, किस लेवल तक वर्क कर सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस की हैं। और उसके अलावा भी नॉर्मली होता है कि जिस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए, उस लेवल का आपका समर्पण, डेडिकेशन होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, उस लेवल का कर्म होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे पहुँचेंगे। कोई आदमी अगर टॉप पे है, सफलता के शिखर पे है, तो एक बहुत सारा डेडिकेशन, टैलेंट और उसके साथ बहुत बड़े अमाउंट की मेहनत की ज़रूरत होती है। तो जब तक समय होता है तब तक आदमी इन चीज़ों को नहीं देखता, अपनी योग्यता, अपना टैलेंट ना देख करके, बस केवल एक ख्वाबों में, ख्यालों में रहता है कि ये चीज़ तो हम ऐसे करके, सर्विस में है तो हम तो IAS बन जाएंगे, कोई बिजनेस में है तो हम तो सीधे बस अरबपति बन जाएंगे, खिलाड़ी है तो हम तो सीधे इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। जबकि वो योग्यता कहाँ पर स्टैंड करता, उस चीज़ पर उसका दिमाग नहीं जाता है। और धीरे धीरे करके जब ये समय निकल जाता है तब उसको समझ आता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया, सारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया और अब करने का कोई समय नहीं बचा हुआ है। और उस समय उसके अंदर तब एक होश और समझदारी आती है, और तब उसको लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे हाथ से पूरी तरीके से जा चुकी है। इसलिए जब भी कोई वर्क शुरू होना चाहिए, वो चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कंपटीशन का हो, चाहे खिलाड़ी का हो, या एक यूट्यूबर बनने का हो, किसी भी फील्ड की अगर बात किया जाए, तो शुरुआत से ही अपनी काबिलियत, अपनी लगन, अपना डेडिकेशन और अपनी मेहनत का इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। हम किस लेवल का वर्क कर रहे हैं, उसी लेवल की हमको सफलता मिलेगी। जो हमारा टैलेंट होगा, जो हमारा समर्पण होगा, जिस लेवल की हमारी मेहनत होगी, उसी लेवल की हमको सफलता जा करके मिलेगी। और उसको इवैल्यूएट करके उस अनुसार, क्योंकि एक पावर भगवान ने हमको दिया है, वो मेहनत का है। मेहनत के दम पे अगर हमारे अंदर बहुत बड़ी योग्यता, टैलेंट नहीं है, तो मेहनत और लगन के दम पे उसको हम अपने अंदर जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जिस लेवल की आपकी काबिलियत है सफलता की, अगर आप मेहनत और समर्पण के साथ वर्क करेंगे, तो वो आपको और अच्छी सफलता दिलाएगा। इसलिए अगर, लेकिन ये तभी संभव है अगर चीज़ों का इवैल्यूएशन टाइम, समय रहते कर लिया जाए, तब जब आपने वर्क शुरू किया, जब आपके पास टाइम है, उसी समय इवैल्यूएट करके कि हम किस लेवल का वर्क कर रहे हैं, क्या हमारी योग्यता है, कहाँ तक हम सफलता हासिल कर सकते हैं, तभी ये सारी चीज़ें सफलता एक अच्छी सफलता में बदल जाएगी। और नहीं, जिस समय आपका टाइम खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, पढ़ने का एक टाइम जो होता है, बच्चे का एडमिशन होता है 3-4 साल में होता है, वो जाकर के अगर 20 साल में सोचे कि हम नर्सरी में एडमिशन लेंगे, तब तक टाइम बहुत आगे जा चुका होगा,
भले ही उसके अंदर एक समझदारी आ गई होगी, दिमाग उसका प्रॉपरली सोचने समझने लायक हो गया होगा, लेकिन वो समय बहुत आगे जा चुका हुआ है। समय एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ा एक लाइफ का फैक्टर होता है जो बहुत कुछ डिसाइड करता है आपके फ्यूचर के विषय में। तो जनरल जो बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने बातें कही हैं कि जो समय के साथ जग गया वही आगे निकलता है, जो समय को बर्बाद करने वाला फिर समय उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, समय उसको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इसलिए जोश और होश, समय और समझदारी, कोशिश करनी चाहिए, एक साथ चलनी चाहिए। अगर आप टाइम पे वर्क शुरू करते हैं, थोड़ा सा आप मनोरंजन भी करते हैं, घूमते हैं, तो वो उतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आप समझदारी से अपनी योग्यता, अपने टैलेंट, मेहनत को इवैल्यूएट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे दोनों का सामंजस्य होगा, समय और समझदारी का, जोश का और होश का, वो आपको एक सफलता दिलाएगा और जिस सफलता के आप काबिल हैं उससे भी आगे आप निकल जाएंगे। तो यही मेन बात फ्रेंड्स कहनी थी जो इस वीडियो में, कि एक समय और समझदारी और जोश और होश अगर एक साथ वर्क करेंगे तो एक सफलता क्या, एक वही चीज़ अच्छी सफलता में बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूवर्स हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर रियली आपको पसंद आए और ऐसे ही आप और नोटिफिकेशन चाहते हो और भी वीडियोज़ आप तक पहुँचें तो उसके लिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।